अस्सलाम वालेकुम। आज जो हादसा हुआ जनाब मोहम्मद फारूक अहमद साहब के साथ, ये बहुत पुरानी 15 साल से इन लोगों में चल रही थी नाइतफाकी, पुराना 15 साल की जो है सो दुश्मनी थी ये, जिसके बिना पर जो है सो आज ये अंजाम दिया गया। अपनी जानिब से जो है सो फारूक साहब को जो है सो वरगलाया गया, बहुत से तरीके से उन्हें सता रहे, 15 साल से जो है सो उन्हें सतारा जा रहा था। पिछली इंतखाबात में, जैसे बल्दिया इंतखाब में आप देख सकते थे, वहाँ पर फारूक साहब के अहलिया जीत के राय थे, तो वहीं पर उनकी एक ईद जो आज ख़ानदान में जो इंसिडेंट्स हुआ, उनकी एक खातून जो है सो हार भी चुकी थी। ये सब जो है सो एक दिल में बुग्ज रख ले के, एक नफरत रख ले के जो है सो आज ये एक हादसा जो है सो फारूक साहब को उकसाने के तौर पर दिया गया। बहुत से जो है सो उकसा के जो है सो उनके बच्चों को, छोटे बच्चों पर जो है सो उनके अटैक हुआ, अटैक होकर वो बर्दाश्त के बाहर हो गया था। वो अपने आप से बाहर से उनको करके जो है सो ये आज एक अंजाम दिया गया। वो अपनी सेल्फ डिफेंस के तौर पे जो है सो उन्होंने फायर किया है, सिर्फ सेल्फ डिफेंस के तौर पे। आप जो है सो वीडियो में भी देख सकते हैं, जो है सो पहले तो एयर फायर किया गया, फिर जो है सो उनके आंख पे आया, कई पत्रे डाले, फर्शे डाले, तलवारें ले लेके आंख पे, तो भी जो है सो फारूक साहब जो है सो अपने सिर्फ डिफेंस के तौर पे एक फायर किए। एक दोस्त में जो है सो अपने आदिलाबाद के अवाम जो है सो गैर जरूरी जो है सो झूठे परपोवंडे फैला रहे, इस पर मैं अवाम पे अपील करना चाहता हूँ कि किसी भी झूठे किस्म की जो है सो अफवाह पर यकीन ना करें। ये जो है सो एक खानदानी दुश्मनी है, 15 साल से पुरानी, इसमें जो है सो ये एक हादसा हो गया, नहीं होना चाहिए था, हम इसकी कुछ नहीं कर सकते, जो हो गया खैर जो है सो अब जो कानून के हाथ में है, जो कुछ भी है कानून करेंगे फैसला, हम कानून के साथ है, हम हर कानून के हर फैसले पे हम ताखुद हैं। हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज़ हैदराबाद।